नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आप 2024 में बाबा अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो उनके जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन 15 तारीख से चालू हो जाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन को आपको ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों जो है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी। तो वो हेल्थ सर्टिफिकेट आप कैसे बनाओगे, कहाँ से उसका फॉर्म आपको प्राप्त होगा, कैसे डाउनलोड करना है, क्या जानकारी फिल करनी है और कौन से मेडिकल ऑफिसर से आपको प्रमाण पत्र बनवाना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2024 में यदि आप बाबा अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी जो यात्रा से पहले दोस्तों आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। यदि आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं बनाओगे तो आप इस यात्रा के लिए पंजीयन नहीं कर सकते। तो 2024 यात्रा के लिए दोस्तों जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमें बनाना है यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसके जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो डल चुके हैं दोस्तों नए तरीके से। तो आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको कहाँ से और कैसे बनाना है उसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले श्री बाबा अमरनाथ जी साइन बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र डाउनलोड कर बनवा सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, स्क्रॉल कर नीचे आना है। दोस्तों, बाबा अमरनाथ यात्रा की जो तारीख है दोस्तों 15 अप्रैल से इसके पंजीयन चालू हो जाएंगे, यानी कि 15 तारीख से आपका जो पंजीयन है अमरनाथ का वो चालू हो जाएगा। तो उससे पहले आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर स्क्रॉल कर आपको नीचे आना है और यहाँ पर कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC फॉर यात्रा 2024 इन इंग्लिश। यदि आपको आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में बनवाना है तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है और हिंदी में बनाना है तो सेकंड वाले को। जैसे आप फर्स्ट वाले को जैसे क्लिक करोगे लिंक पर तो कुछ इस तरीके से कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है वो यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यदि आपको हिंदी में करना है तो हिंदी वाली लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से हिंदी में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो खुलकर आ जाएगा। दोनों प्रमाण पत्र सेम है दोस्तों, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है। आपको हिंदी में बनाना है या इंग्लिश में बनाना जो भी आपको उचित लगे वो वाला प्रमाण पत्र आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में दोस्तों भाग क आवेदक द्वारा भरा जाएगा, यानी कि ये जो आवेदन है आवेदक द्वारा भरा जाएगा। जो भी यात्रा करना जाता है तो यात्री के द्वारा ये आवेदन फॉर्म फिल करना है। तो जिसमें सबसे पहले आवेदक का नाम, तो जो भी आपके आधार कार्ड ID कार्ड में है वो नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में पिता या पति का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में जो भी आपका पता है पूरा पता यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर यानी कि नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो खिंचवानी है और वो फ़ोटो यहाँ पर आपको लगाना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों जन्मतिथि, जो भी आपकी जन्मतिथि यहाँ पर देना है। उसके बाद में जो भी आपका आधार नंबर है आधार नंबर देना है और यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप देना अनिवार्य है, यानी कि ये जो जानकारी है दोस्तों आपको सारी जानकारी फिल करना अनिवार्य है। एक भी जानकारी आप नहीं भरोगे तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद में पहचान चिन्ह में, तो जो भी दोस्तों आपका शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह है वो यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको जो आपके पते का पहचान चिन्ह वो नहीं देना है। यहाँ पर आवेदक का जो भी यात्री है उसका जो भी शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह है, जैसे मोल ऑन द फेस, मोल ऑन द हैंड या कट मार्क, जो भी स्थायी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में आयु सीमा के बारे में दिया गया है कि यात्रियों हेतु 13 वर्ष से कम के और 70 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी यात्रा करना चाहते हैं उनकी आयु 13 वर्ष से कम नहीं और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 6 सप्ताह से अधिक गर्भावस्था वाली किसी भी महिला को यात्रा 2024 के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये जो गर्भवती महिला है वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकती और वो भी यात्रा नहीं कर सकती है। उसके बाद में घोषणा है, क्या आपका निम्नलिखित में से किसी बीमारी से ग्रसित होने या बीमार होने का कोई इतिहास है? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले संख्या स्थिति हाँ नहीं, इसी तरीके से क्रम संख्या स्थिति हाँ नहीं का ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले श्वास लेने में कठिनाई, यानी कि आपको यदि कोई श्वास संबंधी समस्या है यानी कि अपने को श्वास लेने में दिक्कत है तो हाँ को यहाँ पर टिक लगाना है और नहीं है तो नहीं पर टिक लगाना है। उसके बाद में फेफड़ों संबंधित कोई रोग है तो हाँ पर टिक करें और नहीं है तो नहीं को टिक करें।
रक्त विकार, रक्त श्वास की प्रवृत्ति, हृदय रोग, जोड़ों में दर्द, कान में रिसाव, क्या आप धूम्रपान करते हैं, मधुमेह, उक्त रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, मिर्गी, नर्वस ब्रेकडाउन, उच्च ऊंचाई प्रवृत्ति बीमारी, स्ट्रोक, पक्षाघात होने का कोई इतिहास यानी कि आपको यदि कोई अटैक आया हो तो उसकी जानकारी, क्या आप गर्भवती महिला है तो जो दोस्तों यहाँ पर हाँ नहीं है तो जो भी आप पर लागू यदि है तो हाँ को टिक करें और नहीं है तो नहीं पर आपको टिक करना है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है, जो भी राइट का टिक है वो कर ले। उसके बाद में हृदयघात का इतिहास यदि हाँ का उल्लेख किया है यहाँ पर आपने यानी कि आपको कोई अटैक वगैरह आया है तो उसका यहाँ पर उल्लेख लिखना है और नहीं है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद में परिवार के किसी सदस्य की अचानक हुई मृत्यु का इतिहास यदि हाँ है तो उसकी जानकारी दे अन्यथा छोड़ दे। पूर्व में कोई बड़ी चोट या यदि हाँ तो कृपया उल्लेख यहाँ पर देना अन्यथा छोड़ देना है। अन्य रोग यदि हाँ तो उल्लेख दे अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में शल्य चिकित्सा यदि हाँ तो कृपया उसका उल्लेख दे। आपका कोई इलाज चल रहा है यदि हाँ तो उल्लेख दे। आपको किसी औषधीय भोजन के सम और रसायन से कोई एलर्जी है यदि हाँ तो उल्लेख दे। तो जो भी अभी यदि आप हाँ को सिलेक्ट करते तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर जो भी जानकारी वो यहाँ पर आपको देना रहेगा, किस तरह की किसी बीमारी है और उसका क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद में मैं घोषणा करता करती हूँ, मेरे द्वारा उपयुक्त दिया गया सभी विवरण सत्य और कुछ भी छुपाया नहीं गया। यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है और यहाँ पर यात्री जो भी उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो भी वो करता है सिग्नेचर करता है तो हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है तो अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको लगाना। उसके बाद में भाग ख आता है, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। तो जो भी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र बनवाओगे उनके द्वारा ये जानकारी भरी जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा दी गई जानकारी विस्तृत परीक्षण और आवश्यक जांचों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आवेदक का नाम है वो यहाँ पर श्री अमरनाथ पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए स्वस्थ है। प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किए गए विशिष्ट परीक्षणों का विवरण यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में जो भी चिकित्सक आपका प्रमाण पत्र जारी करेगा उनका नाम, पदनाम और जारी करने की तिथि यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में उनके हस्ताक्षर यहाँ पर सील सिग्नेचर करनी है और जो भी राज्य चिकित्सा परिषद पंजीयन संख्या है वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर फोटो पर भी आपको फोटो अटेस्टेड करवाएंगे यानी कि फ़ोटो भी जो मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा फ़ोटो भी अटेस्टेड की जाएगी। तो ये प्रमाण पत्र आपको निकाल लेना और जो जानकारी आप पर लागू है उसको जानकारी को हाँ नहीं को सिलेक्ट करना और जो जानकारी आपको फिल करनी है वो जानकारी फिल करें। उसके बाद में दोस्तों जब 15 तारीख से बाबा अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको स्कैन करवाना रहेगा और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो रजिस्ट्रेशन मान्य होगा और आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होगा। साथ ही दोस्तों अब आपको कौन से चिकित्सा अधिकारी से ये प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके लिए आपको पुनः ये डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर स्टेट यूटी वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स की जो जानकारी दिख रही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में तो इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो आप कौन सी स्टेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो भी स्टेट के आप जहाँ से स्टेट के निवासी हो और जहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जानकारी दिखेगी। तो आप जो भी स्टेट के निवासी है उस स्टेट के सामने जो भी डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यदि दोस्तों यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो एक PDF में लिस्ट जारी होगी और कुछ जानकारी यहाँ पर अभी अपडेट प्रोसेस में चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करने वाले जो अधिकारियों की प्रोसेस में है उनका अभी डाउनलोड नहीं होगा, इसलिए जिनका डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है उनका डाउनलोड होगा और जिनका अपडेट प्रोसेस में है उनकी जानकारी दोस्तों उस स्टेट की जानकारी आपको अभी जो है दोस्तों 2-3 रोज में चेक करोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से PDF में जो भी सर्टिफिकेट इशू करने वाले जो अधिकारी होंगे उनकी यहाँ पर लिस्ट खुलकर सामने आएगी। तो कुछ इस तरीके से एक लिस्ट खुलकर आएगी, लिस्ट ऑफ अथॉरिटी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल इशू कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा 2024। जिस भी स्टेट का देखोगा स्टेट का नाम दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से PDF में आपको लिस्ट शो होगी। तो यहाँ पर आपका जो है दोस्तों सबसे पहले डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिखेगा। तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर चेक करना आप कौन से डिवीजन कौन से डिस्ट्रिक्ट के है। तो इस तरीके से आप लिस्ट में अपना डिवीज़न चेक कर ले। डिवीज़न चेक करने के बाद में जो है दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर ले जो भी आपको जहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे उन अधिकारियों के यानी कि डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर के नाम मिल जाएंगे, उनके नंबर मिल जाएंगे। तो उनसे आप संपर्क कर ले और इस तरीके से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ से बनवा सकते हैं।
साथ ही दोस्तों जब अमरनाथ यात्रा लाइव हो जाएगी यानी कि अमरनाथ के पंजीयन चालू हो जाएंगे तो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर जानकारी देंगे कि आप पंजीयन कैसे करोगे और इसमें आपको कितनी शुल्क रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी बाबा अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आपको जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है वो सर्टिफिकेट आप यात्रा चालू होने यानी कि यात्रा रजिस्ट्रेशन चालू होने से पहले बनवा लें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो सके और आप यात्रा अच्छे से कर सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हम कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।